फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही मैं तेरे का। सो हे गाइज, वेलकम बैक गाइज। जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो को देखा गाइज, इस तरह का रोमांटिक स्टेटस अगर आप खुद भी बनाना चाहते हो अपना खुद का, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो काइनवास एप्लीकेशन दिख रहा है, इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तुरंत डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाना होगा और आपको यहाँ पे जो छोटा वाला फॉर्मेट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। मीडिया पे क्लिक करना होगा। जो भी आपकी फोटोज होगी इन सभी को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं उन फोटोज़ को इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे फोटोज़ को सेलेक्ट करने वाला आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपकी फोटोज़ यहाँ पे आ जाएगी। आपकी फोटोज़ में आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना होगा। यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ पे फोटोज़ के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको अपना डेटा ऑन करना होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेट मोर का ऑप्शन है, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करना होगा यहाँ पे आपको एक नया एड्रेस मिल जाएगा। उस पे जाने के बाद एक ट्रांजेक्शन आपको डाउनलोड करना होगा, जैसे कि आप नीचे एरो के निशान देख पा रहे हो, यहाँ पे गैलेक्सी फोर्ड के नाम से एक ट्रांजेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसमें कुछ इस तरीके आप इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे फिर से सेकंड वाले पे क्लिक करना होगा और आपको उसी के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड करके रखा, तो इस पे जाने के बाद आपको फर्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सभी में आपको इस यहाँ पे ट्रांजेक्शन को दे देना होगा। तो मैं एक बार सभी में दे देता हूँ। तो फाइनली गाइज, मैंने यहाँ पे सभी में ट्रांजेक्शन दे दिया है। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाली लेयर आपकी दिख रही है फोटो, इसको आपको यहाँ पे छोटा कर लेना होगा। इसके ड्यूरेशन को आपको कम कर देना होगा। कुछ इस तरीके से आपका वीडियो के यहाँ पे साइज को आपको बहुत ज़्यादा छोटा करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 31 सेकंड का आपका स्टेटस यहाँ पे बन चुका, तो आपको यहाँ पे इसको 25 या 20 सेकंड तक कर लेना होगा। तो आपको इसमें एक दो फोटो आज इसमें कट भी कर सकते हो। तो गाइज, इस तरीके से मैं इसमें एक फोटो को यहाँ पे कट कर देता हूँ। गाइज, यहाँ पे आपको इतना काम करने वाला, आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। एक बार आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले दो बार बैक करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बैक करने वाला हूँ। फिर से यहाँ पे नया इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्लस के अगर पे आपको जाना होगा, फर्स्ट वाले फॉर्मेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा। मीडिया पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ पे एक टेम्पलेट के नाम से एक वीडियो मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा, जो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया था एक्सपोर्ट फोल्डर में जाना होगा, उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर इस वीडियो को एडजस्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा, जैसे हमें नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाने के बाद आपको इस वीडियो को दोनों साइड से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉप करके बिल्कुल एडजस्ट कर लेना होगा। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको वीडियो को यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको इस फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे 30-40 सेकंड का टाइम लग सकता है। आप यहाँ पे इतना काम करना होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर इस वीडियो को एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो परफेक्टली बन चुका है। मैं आपको वीडियो को चलाकर दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे एंड में एक प्रॉब्लम आती होगी, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे एंड में वीडियो आता है तो आपकी यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाती है। तो आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पे आपको ऑडियो फेड आउट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फेड आउट पे क्लिक करना होगा, इसको ऑफ कर देना होगा। बस आपको इतना काम करना होगा। फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आना होगा। मैं आपको वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे जो घंटी दिख रही है उसको ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दी, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो आपका वीडियो कितना रोमांटिक लगता है। तो आप इस तरह का खुद का वीडियो बना सकते हो। शेयर के ऑप्शन में जाना होगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है यार, आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना।